स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो है कुछ इम्पोर्टेंट, वो भी अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर से लेकर के। तो गेस्ट टीचर के ऑनलाइन फॉर्म भी हो चुके, चॉइस फिलिंग भी हो चुकी और देन रैंक भी आ चुकी है। अब इसके आगे क्या, यही क्वेश्चंस सभी के मन में हैं। और आप किसी डाउट को दूर करने के लिए आज के वीडियो है। और इस प्रॉब्लम को लेकर के या फिर जो मन में आपके डाउट्स हैं कि अब क्या होगा, किस तरह से बुलाया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है जहाँ पर सारी प्रोसेस दी हुई है कि आपको किस तरह से ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की, ठीक है। तो एजुकेशन पोर्टल पर जो अपडेट आया है आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए इन्होंने रखा है सारा नियम। तो चलिए हम देख लेते हैं सारा नियम। चलिए तो ये रहा लोक शिक्षण संस्थान है मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल, ठीक है। 28 तारीख को इन्हें ये डाला है, ठीक है। शासकीय विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था किस तरह से की जाएगी, चलिए तो देखते हैं। राज्य शासन के संदर्भित आदेश एक में अतिथि शिक्षकों को रखने तो दिशा निर्देश उल्लेखित किए गए हैं। अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक आवेदकों द्वारा विद्यालय में विकल्प भरे गए थे, ठीक है। और समग्र शिक्षा पोर्टल के कार्य तो किए जा रहे यूजर नेम एवं पासवर्ड की मदद से स्कूल की रिक्तियों के विरुद्ध पैनल को डाउनलोड करें। तो ये दिया गया कि किस तरह से होगा, डाउनलोड करेंगे फिर संकुल प्राचार्य अपने अंतर्गत आने वाले समस्त विद्यालयों का पैनल डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो सेकंड इन्होंने दिया है उसमें ये है कि जो भी बैठक हुई थी एसएमसी की या एसएमटीसी की, उन्होंने जिन लोगों को चुना हुआ है, ठीक है, तो उन जिन लोगों को चुना है उन अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की कार्यवाही राज्य शासन के दिनांक 23/7/2018 में जो नियम दिया गया था उसके अनुसार ही होगी। पैनल के आवेदक द्वारा विद्यालय में उपस्थिति देने या नहीं देने अथवा जो इनका नियम है उसमें अध्यापन हेतु आमंत्रित नहीं करने संबंधी विवरण को अतिथि शिक्षक पंजी में निम्नलिखित प्रपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। तो ये प्रपत्र यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब जो खास इम्पॉर्टेंट चीज आई है अभी वो ये है कि विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की सेक्शन के लिए राज्य शासन द्वारा 3 अतिरिक्त पदों गणित, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र पर वर्ग 1 के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इन्होंने दे दिया है और विद्यालय में ये अतिरिक्त पद रिक्तियों के रूप में पोर्टल में दिखाई नहीं दे रहे, अतः इन स्कूलों में निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। तो आप ध्यान से इस बात को सुनिए कि जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं जो कैंडिडेट्स, उनके लिए ज़रूरी नहीं था कि वो पोर्टल पर ही अपना चॉइस फिलिंग करें, उनके लिए इन्होंने एक नई व्यवस्था रखी है। वो नई व्यवस्था क्या आप देख लीजिए, यदि विद्यालय में उक्त विषय के पैनल में आवेदक उपलब्ध हैं, अगर जिन्होंने लॉग इन किया है, रजिस्ट्रेशन किया था और चॉइस फिलिंग किया, अगर वो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो वे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षम है, अर्थात आवेदक ने अपनी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से की है, तो ऐसे आवेदकों अध्ययन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि विद्यालय में उक्त विषय का पैनल उपलब्ध नहीं है अथवा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षम आवेदक उपलब्ध नहीं है तो स्थानीय स्तर पर जिला विकास खंड के उत्कृष्ट विद्यालय से पैनल प्राप्त कर तथा उत्कृष्ट विद्यालय के पैनल से आवेदकों को बुलाया जाएगा। फिर जिला कार्यालय द्वारा पोर्टल पर प्रवेश जानकारी के आधार पर प्रदर्शित रिक्तियों का पैनल जनरेट किया गया है और पद स्थापना अन्य किसी कारण से विद्यालय में यदि विषय का पद रिक्त नहीं हो तो किसी भी स्थिति में अतिथि शिक्षक के कार्य हेतु आवेदक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर रिक्ति नहीं है तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। अतिथि शिक्षक के चयन की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात समस्त प्राचार्य एक प्रारूप तैयार करेंगे जहाँ पर विद्यालय का डाइस कोड होगा, जिसको चुना गया उसका नाम, उपस्थिति दे दी गई है, उपस्थिति नहीं दी गई है, स्कोर कार्ड, सब कुछ यहाँ पर भरा जाएगा। फिर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था को पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाने तथा उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विद्यालय को फैसिलिटेट करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। समस्त प्राचार्य संदर्भित शासन आदेशों में दिए गए निर्देशों के अनुसार समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से आपको बुलाएंगे, किस तरह से आपको रखा जाएगा, ठीक है। सारा वही प्रोसेस वही रहने वाली है, ठीक है। प्रपत्र भरा जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप हैं, करने के इच्छुक हैं या नहीं, ठीक है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि आमंत्रित किया गया है कि नहीं किया गया है, अगर रिक्तियाँ हैं तो ही आमंत्रित किया जाएगा
और यदि रिक्तियां नहीं तो आपको आमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट। इसके अलावा चलिए तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अतिथि शिक्षक पोर्टल प्राचार्य द्वारा पैनल डाउनलोड करने की यहाँ पर प्रक्रिया दी गई है। तो जिस तरह से आपका अगर रैंक आई है तो किस तरह से डाउनलोड करेंगे प्राचार्य, यहाँ पर दिया हुआ है। वो अपने लॉग इन के उपरांत निम्नलिखित स्क्रीन देखेगी, वो लॉग इन कर सकेंगे। आपकी खुद की पर्सनल आईडी को वो लॉग इन करेंगे, ठीक है। लॉग इन करने के बाद उन्हें स्क्रीन पर इस तरह से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा था, ठीक उस तरह से उन्हें भी दिखाई देगा। जो स्कूल आपने अप्लाई किया है वहाँ पर उसकी वैकेंसीज दिखाई देगी और ये भी दिखाई देगा कि आपकी रैंक क्या है, ठीक है। और इसके बाद वो क्या करेंगे, आपकी इन सब जो आपने पैनल चुना था और आपकी जो रैंक है उन सबको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का आपको पैनल मिलेगा, जिस तरह से स्कूल कार्ड निकला हुआ था ठीक इसी तरह से आपका ये दिखाई देगा, जिसमें इन्होंने समय सारणी के अनुसार आपका आमंत्रित करेंगे यदि आप उसके लिए अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं वैकेंसी कोड जिसके लिए एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, किसकी रैंक क्या है, वो सारा ये डाउनलोड करके और जिसका सिलेक्शन होगा सिर्फ उसी का नाम एजुकेशन फोल्डर पर जनरेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपकी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बने रहिए फटाफट ज्ञान के साथ फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब एंड एग्जाम प्रिपरेशन। Thanks for watching this video.